शरदुत्फुल्लमुल्लिकः विक्षरन्तो मनः चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भागवत दशम स्कंध। शरदकालीन रात्रियों में बेला चमेली के फूल खिले हुए हैं। ऐसे मनोहर समय में पार ब्रह्म ने रास के लिए योग माया के अंदर प्रवेश किया। दृष्ट्वा कुमुदवंतम् अखंड मंडलम् रमाननाभम् नवकुमकुम अरुणम् वनम् चतत् कोमल गोभीरंजितम् जगौकलम् वाम दृशाम मनोहरम। केशर के समान नूतन एवं अखंड स्वरूप वाले पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों से सुशोभित नित्य वृंदावन में श्री कृष्ण जी मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाते।
कृष्ण जी रामे अखंड लीला रास वचन विचारो मिठड़ी सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंजिनाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महाराज सुनाम तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, इससे पूर्व सृष्टि का सर्जन और सर्जन हरा कौन है श्री प्राणनाथ जी की वाणी के आधार से मैंने आपके सामने रखा और उसके प्रमाण गीता भागवत वेद शास्त्र बाइबल कुरान के हिसाब से सबने कहा है कि क्षर अक्षर और अक्षरातीत। थोड़ा सा इस पर और विचार बाकी है जो करेंगे कि ये जो क्षर का निर्माण है यहां पर मोह तत्व है और इस कारण से ही मोह के अंधकार में माया में फंसकर हर मानव जो है मेटीरियलिज्म के पीछे चलता है। उसको ये याद ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद जाना कहां पर है। इससे आगे योग माया का जो निर्माण है उस तत्व को कृष्ण तत्व अर्थात अखंड तत्व कहते हैं, जिस पर आज हम थोड़ा विचार करेंगे और उससे आगे भी कोई तत्व है क्योंकि तो वो तो योग माया का निर्माण जो है अक्षर का निर्माण है। उससे आगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जो है जहां नूर तत्व है वहां की भूमि वहां के वृक्ष वहां के महल नूर ही नूर से भरपूर नूर ही तत्व है। तो कई लोग नूर तत्व को डिवाइन लाइट समझकर एक नया धर्म बना करके बैठ जाते हैं। ना भाई ना, वो नूर तत्व का अर्थ क्या है कि वहां पर हर चीज नूरमय है और नूर तत्व का गुण क्या है कि सदा अनादि। अब ध्यान रखना परम धाम किसे है, फिर हर चीज चेतन है, वहां हर चीज प्रकाशमय है, हर चीज वहां सुगंधी ही सुगंधी है और वहां की किसी चीज को भी जैसे वृक्ष हैं घास है उनको पानी नहीं चाहिए, उनको पार ब्रह्म की वो नूरमयी नजर से ही उनकी वो खुराक है। वहां जो वो आत्माएं हैं अब उनको ये ना समझ लेना
कि वो जैसे यहाँ स्त्री पुरुष है तो वहां भी है, नहीं, पहले भी बताया कि आनंद की लीला जो करने वाला स्वरूप अक्षरातीत का है, वो जो रूप है वहां पर उनको हम कहते हैं आत्माएं। तो अब वो सदा आनंद ही आनंद अर्थात इश्क ही इश्क में पार ब्रह्म के ही लव में वहां पर मस्त हैं, जो बाइबल ने कहा गॉड इज लव, वो यहां नहीं है। दिस इज फॉल्स लव, बॉडी फॉल्स, एवरीथिंग फॉल्स, यहां का लव भी फॉल्स है, वो अखंड लव है जो पार ब्रह्म का निज स्वरूप है जिससे वो लीला करते हैं, स्वलीला अद्वैत है। वहां पर अब क्या हुआ कि एक दिन पार ब्रह्म कहते हैं कि ये जो मेरा स्वरूप और मेरी लीला है ये तो आनंद की है, अक्षर ब्रह्म भी मेरा ही स्वरूप है लेकिन वो सत्ता का स्वरूप है। तो उन आत्माओं ने कहा, ऐ प्रभु, ऐ हमारे धनी, ऐ हमारे प्राणनाथ, तो फिर वो आपने क्यों नहीं दिखाई हमको? कहने लगे नहीं, परम धाम के अंदर आनंद ही आनंद की लीला है, वो सत्ता की लीला है। जहां सत्ता की लीला अक्षर ब्रह्म करता है वो योग माया का निर्माण है। तो जहां सत्ता की लीला है वहां आनंद नहीं हो सकता, और जहां आनंद की लीला है वहां पर सत्ता नहीं हो सकती। इसीलिए वो स्वरूप मेरा है, परम धाम में रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक वर्तत, पर इस अक्षर को नहीं कि किनविद के निकट के उनकी स्वलीला अद्वैत क्या है। इधर तो इन्होंने ये चाहना की कि हमने अक्षर है हमारे धनी, है हमारे प्राणनाथ, जब आपका स्वरूप है तो कुछ भी लीला करता होगा, हम तो अवश्य देखेंगे क्योंकि हमारे आप धनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जैसे इन्होंने चाहना की वैसे ही अक्षर ब्रह्म जो उनका सत्ता का स्वरूप है उसने क्या चाहना की कि भी मैं रोज प्रणाम करने जाता हूं अपने धनी को, लेकिन उनके जो निज आनंद की लीला है वो मुझे कब देखने को मिलेगी? तो उसने भी उधर प्रार्थना कर दी कि ऐ मेरे धनी, जब आप आत्माओं को दुख की लीला जो मेरी प्रकृति से, मूल प्रकृति से बनती है, उसको दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप आओगे ना इधर, आत्माएं आएंगी ना इधर, तो फिर मेरी भी एक इच्छा पूरी कर देना। चलो परम धाम के स्वरूप और उन महलों में नहीं, यहां आकर के जो भी तन धारण करोगे तो मेरी भी इच्छा पूरी करना कि आप परम धाम में क्या लीला करते हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा भाई, अगर दोनों को यही ये इच्छा हो गई है, उल्ट आनंद स्वरूप क्या चाहता है कि हम अक्षर की सत्ता के दुख की लीला को देखें, और अक्षर ब्रह्म जो सत अंग है, सत स्वरूप है, वो क्या चाहता है कि मुझे आनंद की लीला दिखाई जाए। तो अब वो तन तो वहां से नहीं रिमूव हो सकते, वो तन तो नहीं वहां से हट सकते, तो दोनों के ऊपर जो है एक फरामोशी का पर्दा, जो कबीर जी ने कहा, कबीर पंथ वाले पढ़ते भी होंगे लेकिन बता नहीं सकते इसका भेद क्या है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चौंतीस पानी, तीन पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत पानी, तिन मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन मक्खी तिन गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को अर्थ लगावे, वह सतगुरु मैं चेला। अब इसको कौन जानेगा दुनिया वाला, जब तक प्राणनाथ जी की वाणी को कोई समझ नहीं लेता, उनके असल स्वरूप की पहचान नहीं कर लेता कि वो सतचिद आनंद क्या है, इसका जो है अर्थ नहीं कर सके, और कहा जो अर्थ करेगा वो मेरा सतगुरु होगा, वही पूर्ण में परमात्मा प्राणनाथ होगा, उसके बिना इस भेद को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये उसके अपने महल की बातें, उस परम धाम की बातें, जहां पर वो बिठा करके अपनी आत्मा को आप कहते हैं लो तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे तन मेरे हैं। ध्यान दो, समझने वाली बात है कि ये जो तुम्हारे तन है मेरे हैं, क्योंकि मैं इसे आनंद की लीला करता हूं, ये मेरे से अलग नहीं हो सकते, मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते हो। खेल जरूर आपने मांग लिया है, क्या करूंगा, इन तनों में से तुम्हारी सुरता, ध्यान के साथ समझने की बात है, ये प्राणनाथ जी की खास वाणी के भेद हैं, तुम्हारे तनों की जो सुरता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन,
जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, जिसको कुरान में रूह कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर से मैं निकालकर वो माया के खेल में जीवों के ऊपर बिठाऊंगा। क्योंकि आत्मा जन्मती और मरती नहीं है, वो प्रवेश करती है। इसी तरह से अक्षय ब्रह्म की आत्मा को भी मैं लेके जाऊंगा, उस पर मेरी केवल शक्ति बैठेगी, मैं नहीं जा सकता। समझने की बातें, ये कृष्ण का स्वरूप कैसे बनता है? अब दोनों के ऊपर फरामोशी का, नींद का, नींद तो वहां होती नहीं, एक गफलत सी, कैसे? जैसे मानो मैं यहां बैठा हूं, मेरा कोई रिश्तेदार बॉम्बे में बीमार है और एकदम मुझे उसकी याद आई या टेलीफोन आया, ये सीरियस, बैठा मैं यहां हूं, मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मेरा ख्याल, मेरी रूह कहां चली जाएगी? बॉम्बे हॉस्पिटल में। तन मेरा यहीं का यहीं होगा, आंखें खुली होंगी, सब कुछ होगा, कान सुचेत होंगे, पर मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, आत्म रूह जो है, जब वहां चली जाएगी तो मैं आंखें खुली होंगी, किसी को देख नहीं सकता, कान सुचेत होंगे, किसी की आवाज नहीं सुन सकता। ये हालत हो गई उन आत्मा परम धाम में, जो उनके तन हैं, उनको पर आत्म कहते हैं, बैठ गए। और उसके बाद अक्षय ब्रह्म अक्षय धाम में बैठ गया। अब ध्यान के साथ, किसने आना है इस नश्वर जगत में? किसने आना है? अक्षर ब्रह्म ने आना है, जो कूटस्थ है, जो अविनाशी है, कभी नहीं सृष्टि में आए। और उससे आगे अक्षरातीत ने आना है, जिनके आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता था, पर आत्माओं ने, जो उनके आनंद अंग है, जिनसे वो अलग नहीं हो सकते, उन्होंने जब मांग कर ली तो आओ। अब क्या होता है, किसी की आत्म के ऊपर तो आके अक्षरातीत की शक्ति और अक्षर की आत्म बैठेगी किसी के अंदर। विष्णु भगवान को हुक्म दिया, वो पहले से ही ऐसी रचना रच रखी थी, आओ मेरे साथियों, अब कृष्ण क्या है जिस पर आज हमने विचार करना है? चलिए जरा मथुरा में कंस की कारागृह में, वसुदेव और देवती, देवकी वहां पर बंद में है, 7 बच्चे उनके हो चुके हैं। जब कंस को पता चलता है, क्योंकि चारों तरफ से बड़े बड़े दरवाजे लोहे के, जजीरों से जकड़े हुए और पहरा पड़ा हुआ है, वो बेचारे वसुदेव और देवकी कहां हिल सकते हैं? 7 बच्चे जब पैदा हुए, लिया पटक के मार डाला, क्योंकि उसको आकाशवाणी हो चुकी थी कि देवकी के ही 8वां बच्चे तेरा जो है, कोई ना कोई बच्चा तुझे मार डालेगा। अब 8वां बच्चा बाकी हुई, उसके बाद संतान ही नहीं होनी। खोलिए नामस्कंद और पढ़िए क्या है, स्वयं चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान नारायण आ करके चतुर्भुज स्वरूप में उन्हें दर्शन देते हैं। अब वो एकदम उनका तेज प्रकाश देखकर घबरा गए, दिखता ही नहीं, ये आंखें क्या देखेंगी उनको। एकदम चरणों में गिर पर रोने लगे, कहे प्रभु हम इतने पापी, आपने हमारे ऊपर कृपा करके यदि यहां दर्शन दिए ही हैं तो ऐसी कृपा कर दो, थोड़ा तेज कम कर दो कि हम आपके दर्शन करके चरण तो छू सके। तब आदि नारायण स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप शंख गदा चक्र पद्म, पढ़िए भागवत में साफ लिखा है चतुर्भुज स्वरूप। तो चतुर्भुज स्वरूप किसका है? वैकुंठ के नाथ का, आदि नारायण का। अब उन्होंने तेज कम किया, उनका स्वरूप मुकट सारा श्रृंगार दे करके दोनों चरणों पर गिर पड़े और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम तो पापों के मारे हुए, जन्म जन्म के जो है पाप यहां पर भुगत रहे हैं, फिर हमारा कौन सा अहोभाग्य है कि आपने आके दर्शन दिया? क्या लगे? हाँ, वो इसलिए कि इससे जो तुम्हारा पूर्व जन्म था उसके अंदर तुम्हारे घर संतान नहीं थी, चक्रवर्ती तुम राजा थे, जंगल में जाकर मेरे नाम की तुमने तपस्या की, मैंने वहां तुमको दर्शन दिया और पूछा बेटा क्या चाहते हो, तो तुमने मेरे स्वरूप को देखकर कुछ लालसा सी मन में आ गई और कहने लगे प्रभु तमन्ना तो यही थी कि कम से कम चक्रवर्ती राजा हैं तो 10-20-50 पुत्र तो होने चाहिए जो सब कुछ संभाल सकें, पर अब आपका स्वरूप देखकर हमारी इच्छा यही है, यही हमारी मांगनी है, एक ही लड़का भले हमारे घर हो जाए पर तुम्हारे जैसा,
तुम्हारे जैसा स्वरूप हो, सब कुछ तुम्हारे जैसा हो, जान दो तो मैंने तुम्हें वरदान दिया था और कहा था तस्सा असु, अगली बार जब फिर तुम मनुष्यतन में आओगे पति पत्नी, तो फिर मैं तुम्हारे घर आके जन्म लूंगा। साथियों, कभी सोचा है? कभी भागवत पढ़ी है? विचार करो इसके ऊपर कि जो ये कह रहा है मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, तो इस सृष्टि का विधान क्या है? जो जन्मता है सो मरता है, और जो जन्म और मरण के अंदर आता है वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो नहीं सकता। प्राणनाथ जी ने हुक्म ये नहीं दिया कि किसी की जो है चीज को कटाक्ष करो, नहीं, केवल बताना कि दुनिया वालों गलत को असत को तुम पूर्ण ब्रह्म मान करके बैठे हो, सत्य की पहचान करो, पार ब्रह्म ने आना है तो उनकी पहचान करो। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद वो अदृश्य हो गए और साथ क्या कह दिया कि मेरी माया की शक्ति नंद जी के घर लड़की बन के जन्म लेगी, मुझे वहां छोड़ आना, उसको ले आना। अब वसुदेव जो उनके सामने देवकी के पति हैं, कहने लगे प्रभु हम किस तरह से यहां से जाएंगे, ये लोहे, ये दरवाजे, सात बड़े बड़े दरवाजे बंद है। कहने लगे ये तुम्हारा काम है, जैसे ही मैं जन्म लूंगा ये सारे दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, तुम्हारी हथकड़ियां, ये गले में लोहे जो पड़े हैं सब टूट जाएंगे और क्या होगा, मैं जन्म लूंगा, मुझे लेके तुम चल देना, सब सिपाही पहरेदार जितने हैं ये सो जाएंगे। और उधर जब तुम पहुंचोगे नंद के घर, उस वक्त उसी समय जैसे ही तुम अंदर प्रवेश करोगे, लड़की का जन्म होगा यशोदा मैया के गर्भ से। वो वसुदेव उनको लेकर जन्म हुआ, लेकर के और जाए घर में पहुंचे गोकुल के, मथुरा में जन्मे और उधर पहुंचे तो वहां पर लड़की हुई। अब उसने कह दिया जी नहीं नहीं यशोदा मैया चिंता मत करो, लड़का पैदा हुआ तो ठीक, उस वक्त बच्चे को तो एक साइड में रख देती और उसको संभालती। अब पीछे से कौन आ गए, वसुदेव, उन्होंने लड़का रख दिया और लड़की को लेकर के चले गए। अब उसके बाद कहा कि भाई क्या हुआ है ये लड़की, देखा तो लड़का पैदा हुआ पड़ा है, ध्यान दीजिए अब एक नाम इसका मथुरा का है, उठाइए भागवत क्या लिखा है कि देवी देवता आकाश में पुष्प लेकर के खड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि वैकुंठ के नाथ विष्णु भगवान जन्म लेने जा रहे हैं। अब वो जिस वक्त जन्म लेते हैं तो फिर क्या था, रोहिणी नक्षत्र था और वृक्ष राशि थी। आज भी रोहिणी नक्षत्र हो वृक्ष राशि हो तो या ओ शब्द से नाम रखा जाता है या वा शब्द से नाम रखा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, देवी देवताओं ने पुष्प बरसाए मथुरा में और क्या क्या नमो नारायण भगवते वासुदेव, वहां तो नाम रखा वासुदेव। अब आए जब गोकुल में तो वो नक्षत्र और राशि बदल गई, मिथुन राशि और मृगशन नक्षत्र हो गया। अब जिस वक्त ये इधर पैदा हुए, कौन, विष्णु भगवान आए हैं अभी, अब आएगी अक्षर की आत्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म कभी भी जन्मते और मरते नहीं है। इस वास्ते फिर क्या हुआ, अब उसके अंदर आत्म अक्षर ले पार ब्रह्म का आवेश और नंदघर की ओर प्रवेश, उस चन के अंदर बैठ गए। अब इसको कोई आज दिन तक पहचान नहीं सका, क्योंकि हर कोई नाम को और तन को ही जानता है कृष्ण है। अब लीला किसने की, आगे क्या कुछ हुआ, कभी कोई विचारे तो पता चले कि हकीकत में पार ब्रह्म कौन है। अब वो आ गए, अक्षर ब्रह्म भी आ गया, अक्षातीत भी आ गए और वो आत्माएं भी तो आने। तो ब्रिज और गोकुल के अंदर जितनी क्वारी कन्याएं थी उनके तनों में आकर परम धाम की आत्माओं ने प्रवेश किया। अब इसको कोई समझेगा, क्या भागवत के व्यास जी ने बताया कि वो गोपियां अब रात को तड़पती हैं, कब हम जाके, क्योंकि रात के एक बजे का समय होता है, कि तब चाहना उपजी अति घनी, किनको, परम धाम की आत्माओं को, तब मिलसी हम अपने धनी, तड़प तड़प के रात गुजारी। सुबह 9 बजे के समय श्रृंगार किया, 16 कला का श्रृंगार, एक कुआरी कन्या
तभी छजती है जब उसको अपने पति के पास जाना होता है। किस रिश्ते के साथ युवा कन्या है, ब्रज और गोकुल की युवा कन्या है, और वो श्रृंगार करके जा रही है किसके पास, जो बच्चा अभी 8 घंटे का है, क्या उसका वो पति हो सकता है? ये ओ पार ब्रह्म ने जो आके लीला की, अंदर आई ना शक्ति उनकी, पर किसी ने पहचाना नहीं। इस वास्ते जो है आए दिन तक वो कृष्ण को कोई किसी रूप से मान रहा है, कोई किसी से मान रहा है। तो अब इसका हकीकत का भेद जो है अगली मीटिंग में हम आपके सामने प्राणनाथ जी के आधार पर जो है रखेंगे। मिठड़ी